अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक है आप लोगों की दुआओं से। तो आज का ब्लॉग हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया है छोटे से प्यारे से देसी किचन से। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं कलेजी, वो भी हुमा की फरमाइश है। कैसी लग रही हो? स्माइल भी होगी, सब कुछ हो गया। और यहाँ पे मैं ईयर रिंग फ्रॉक लेकर आई थी, ये मेरी बहुत प्यारी, मुझे बहुत पसंद आई और मुझे क्यूट लगी, इसका कलर बहुत अच्छा है। देखिए तो बातें बहुत कर ली, तो अब करते हैं काम शुरू, चूल्हा जलाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ चल चुका है हमारा चूल्हा, तवा जब हल्का हल्का गर्म होता है चूल्हा हल्का कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ डाल दिया मैंने थोड़ा सा तेल, ठीक है। तेल डालने के बाद थोड़ा ही डाला, ज्यादा नहीं डाला, थोड़ा बाद में डाला। तवा कलेजी में तो डालता है थोड़ा सा, थोड़ा सा। अभी थोड़ा गर्म होता है चूल्हा, कर देते हैं थोड़ा सा तेज। नींबू को भी काट लेते हैं, आधा नींबू लूंगी। और यहाँ आप देख रहे होंगे इतनी सारी मैंने मिर्चियाँ रखी हैं, आधा नींबू जाएगा इसमें और आधा नींबू जाएगा कलेजी के अंदर इसमें, ठीक है। ये दोनों होगी मेरी मज़ेदार डिश। और ये सारी मिर्चें कलेजी में नहीं जाने वाली, ये इसका अचार बनेगा अभी। ये मैंने बोला मैं बैठे बैठे जो ना सात अचार भी बना लेते हैं। तवा भी हमारा गर्म हो चुका है माशाल्लाह। तो यहाँ हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, बस चुटकी भरा। इसमें अब हम डालेंगे प्याज, इसमें डाल इसे हम कर देंगे यूँ गैर। बस यहाँ पर डाल देंगे लहसुन, इतना मज़े का दिख रहा है। खाने में भी बड़ा मज़ेदार है। फ्राई हो गई तो अब इसको साइड पर करती जाऊंगी इस तरह। तेल डालने के बाद ज़रा से डलेगा, ज़्यादा नहीं, हरी मिर्ची तो मैंने साइड पे कर दिया मज़ेदार। अब डाल देंगे यहाँ पे थोड़े टमाटर, जिसमें तेल जितना भी है हमारा इसको याद है। यहाँ पे जो एक बार कलेजी ली थी अब वो डालूँगी। टमाटर को मैंने ज़्यादा सोते नहीं किया, उसको मैं हल्का सा मिक्स करके साइड पे कर दिया। बिस्मिल्लाह, अब यहाँ पे जाएगा नमक और अपने हिसाब का हल्का जाएगा। या तो दाल से थोड़ी सी चुटकी, एक चम्मच होता है कश्मीरी मिर्च, तकरीबन एक चम्मच ही मेरी तो चुटकी, आपका एक चम्मच छोटा वाला, और हल्दी के लिए एक चुटकी और आपका एक चम्मच। सही बात, कुटी मिर्ची और एक चुटकी और आपका छोटा चाय का एक चम्मच, गरम मसाला थोड़ा सा बाद में डालेंगे, वो भी एक चुटकी। ये हो गया हमारे मसाले सारे, ये रखिए हमने बाकी। नमक हम चेक कर लेंगे फिर डालेंगे और इसको कर देंगे मिक्स। मिक्स नींबू इस मसाले को हल्की सी आँच में हम पकाएंगे, जब ये पक जाएगा फिर से करेंगे हम कटाकट। सारे मसाले डालने के बाद जो है इसको अच्छे से हमें इस तरह करना है। इस पे दे देंगे ढक्कन, माशाल्लाह शांति हो गई, क्या खुशबू आ रही है, इतनी मज़ेदार माशाल्लाह माशाल्लाह टेस्टी टेस्टी बनी है। और खाएंगे तो मज़ा आएगा, वो फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि मैंने काट ली मिर्च को इसी तरह काटना है। ये हमारे घर में बहुत मज़ेदार बनती है, हाँ मज़ा आ जाता है। नमक लगा के ना, बस खाली नमक लगा के इसमें रख दूंगी मैं, दो दिन में तैयार और दो दिन में खा के ख़त्म कर देते हैं हमारे घर वाले, ख़त्म फौरन हो जाता है। गुस्सा आता मुझे, और ये मिर्चें पता है आती भी बस थोड़े टाइम के लिए आती हैं और ख़त्म। और ये मिर्चें जो है ना हमारे किसी एक बंदी को ना बहुत पसंद है, अब वो खुद ही बताइए किसको पसंद है, कमेंट करके बताना। लश पश बन जाती हैं। अब माशाल्लाह ये हैं आधा किलो हैं, और देखना आधा किलो दो दिन में मुक गए। डालूंगी इसका अचार भी डालूंगी, सालन तो मैं भूल ही गई मिर्चें काटने के चक्कर में। देखो वो ही गर्म है, इसमें डाल चेक करो माशाल्लाह मज़ेदार खुशबू कितनी प्यारी आ रही है, अच्छी लग रही है। हाँ आपने क्या खाना है? मैंने हाँ रोटी बंदी खाओ, मुझसे भी पूछो क्यों, तुमसे भी पूछो, तुम्हारी वजह से तो बन रही है, तुम्हारी छीकें लग गई, मुझसे पूछो ना। हाँ तुमसे पूछो, यहाँ अच्छा हुम्मा से पूछते हैं भाई, हुम्मा से पूछो। हाँ हुम्मा तुम क्या खाओ? पराठा चमार दूँ? इतना मजा आएगा पराठा साथ चटनी। हम चाहते हैं इतनी प्यारी प्यारी मिर्चें काट रही हूँ, किरण इतनी मेहनत कर रही है, ठीक है मेरी माँ अच्छो अच्छो अम्मी को देर तक आती है, हम दोनों को तो हमारी वीडियो को प्यार दे, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें, ठीक है। अभी मुझे डालनी है रोटी, मुझे यहाँ पे नमक पहले तो मैं यूँ हल्का सा छिड़क दूंगी, सही है,
ये छिड़का, ये छिड़को, हाँ नहीं नहीं ऐसे पर नहीं, फिर मैं मना करती हूँ उमा ऐसे नहीं करते, फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे, बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, एक एक मिर्ची उठा के, हाँ एक एक मिर्ची उठा आपको के लगाना, पता कैसे चलेगा वो मिक्स होती नहीं जी, ये देखो ये साइड पे की, हाँ ये साइड पे की, और ये मेरी मिर्ची, हाँ, बना लो, पार्टीशन बना, मिर्चों में नमक लगाते हैं, लगा के रख दे, मिर्चों में नमक लगाते हैं बाकी नहीं, और किसी बाकी हम बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, इखलाक भी अच्छा है, प्यार भी अच्छा है, और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से प्यार करें, हमसे प्यार करें, हमें थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सा टाइम, ज्यादा नहीं थोड़ा सा टाइम, दिल चाहे तो, बाकी ये कि हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, और थोड़ी ही देर में हो सकता है अभी मैं चेक करूं तो मेरे 500 हुए हुए हो इंशाल्लाह, हाँ, और उस वक्त मेरी खुशी की क्या इंतहा होगी, मैं तो फिर बंगड़े डालूंगी, फिर मैं बोलूंगी बल्ले बल्ले हो गई मेरी, तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्या मालूम सुबह उठूँ तो 1000 भी हो जाए, क्या मालूम दूसरे दिन इतने हो जाए। यहाँ मैं जो है बन तैयार करती हूँ, छोटे छोटे बन हैं, बहुत टेस्टी हैं, अगर इसके हम वो बनाएं क्या जिंगर बर्गर, ओहो, तो कितने खा लेंगे, अब साथ में बनाऊंगी साथ पराठे, अब इसके ये है ये देखो ऐसे खाए मजेदार, ये देखो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, वाह ब्यूटीफुल, कैसा प्यारा लग रहा, ये हो गया हमारा तवा कलेजी बन, यहाँ पे मैंने बन उतार लिए, बन उतारने का इसको अच्छे से मिक्स करना है, अब उतार लेना है इसको, माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह यहाँ पर मैंने रोटी बना ली और बन भी हो गई, रोटी भी हो गई, यहाँ चीज़ें वगैरह इसको मैं बोलती हूँ उठाती है, और यहाँ मैं इसके लिए पराठा भी बना दिया, बल वाला बनाया मैंने, डाल दिया तेल, अब ये मज़ेदार पराठा यमी यमी बन जाएगा, इसको रोल बना देना कलेजी का रोल, बनने तो दो पहले, एक अनियन काट दूँ बीच में डालने के लिए, देखो देखो फरमाइशें कैसे स्टार्ट हो गई है, अच्छा लगेगा, ले आओ जल्दी से प्याज ला के दो मुझे, वो मैं डाल देती हूँ बीच में, पराठा चल रहा है, रात के टाइम खा रही है, फिर कहेगी कि मेरे हैवी हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, हाँ, ये दो तो नहीं खा रही, एक ही खाऊंगी और एक दो बन खा लूंगी, कौन आ रहा है यहाँ पे जो है, हालत चेक करो मैं पसीने से, वही ना गर्मी बहुत है, हाथ धो गए और रोटी बनाते ना लग गई मिर्च, वही जो उस वक्त किया था, थोड़ी देर में लगती है, वही ना थोड़ी देर में लगती है, तो यहाँ पे मेरी रोटी बन गई, पराठा बन गया और चटनी रायता भी बन गया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब लगाएंगे हम इसे रोटी के ऊपर चटनी, मज़ेदार, तो फिर इस तरह बना के जाना घर में खाओ, बड़ा मज़ा आता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, अब इसे डालेंगे इसकी ऑनियन, इसकी ऑनियन डाल दूँ मैं, ऑनियन यम्मी, ये तो हो गई हुमा की प्लेट रेडी, और यहाँ डालेंगे हम चटनी, यहाँ पे जो है मेरे ये छोटे छोटे मिनी बन भी तैयार हो गए और बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, लजीज, चटनी तो बहुत ही मज़े की, हाँ वन बाइट का है मगर आता बड़ा मज़ा, थोड़ा सा धनिया गार्निश कर दिया हमने, मेरे पराठे मैंने गार्निश की थोड़ा सा आता है उसके साथ जो है ना, ये देखो ये रख देंगे एक मिर्ची और यहाँ रख देंगे एक लेमन, ठीक है ये हुमा की होगी, यहाँ रख देंगे हम एक, यहाँ पे एक रखेंगे हम हरी मिर्ची, ठीक है एक काटेंगे यहाँ पे स्लाइस बारीक सा लेमन का, मेरी गार्निश और मेरी जो है ना खूबसूरती जो है ना चेक करो, ये हो गई हमारी प्लेट रेडी और कैसी लग रही है ये है आप लोगों के लिए, आए आप लोग खाएं बिस्मिल्लाह करें, और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तकरीबन सारी वैरायटी मिलेगी, एक तवा कलेजी से मैंने सब कुछ बनाया, रोल भी बनाया है, बन भी बनाया है, और साथ सिंपल रोटी के साथ भी खाएंगे और रायते चटनी के साथ भी खाएंगे तवा कलेजी, और कितनी जगह पर देखो काम आ जाती है, और तवा कलेजी मज़ेदार बनती, मेरा तवा थोड़ा छोटा था, बड़ा होना चाहिए, मैंने किसी को दे दिया है, तो वह इंशाल्लाह दोबारा मैं बड़ा तवा लेकर आऊँगी और फिर इंशाल्लाह उस पर हम बनाएंगे खूब सारी ढेर सारी, ये तो एक पाव थी मैंने बनाई, एक पाव की, क्योंकि हमारे घर में इतनी ही खाई जाती है, तो जितनी खाई जाएगी मैं उतनी ही बनाऊंगी, तो आप लोग आएँ बिस्मिल्लाह करें खाएं और ज़रूर बताइएगा रेसिपी को, ज़रूर बनाइएगा, मैंने बड़े आराम से तहम्मुल से बताया है और अच्छे से करके बताया कि आपको समझ आए आप बना सको, और इंशाल्लाह इसी तरह ही मैं और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी अपनी देसी किचन में रेसिपियाँ लेकर आऊँगी किरण के स्टाइल में, किरण के तरीके से, और आप लोग बनाओगे खाओगे बहुत मज़ा आएगा आप लोगों के लिए, बिस्मिल्लाह रहमानुर्रहीम, बड़ी स्टाइलिश प्लेट है, हाँ अच्छी लग रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग आए खाएं और ज़रूर बताइएगा किरण को कितना अच्छा बनाया, किरण की हालत देखो पसीने पसीने किरण हो चुकी है, किरण मेहनत बहुत कर रही है, बस आप लोग प्यार दें सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा ढेर ढेर आप लोगों का प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है,
वाह मजेदार। खाती नहीं थी ना मैं, डाइट वगैरह करती रहती थी, एक दो निवाले खाने पड़ते, मजे के लगते, दिल चाहता भी सब खा लूं। अब बंद भी मैं बताती बंद कितना मजे का बना हो। यहाँ बंद के साथ ज्यादा अच्छा है रोटी के साथ। तोरी जो ना मुझे सुनाएगी बातें। तोरी नाम क्या रख दिया बेचारी का, तोरी जो मैंने खिला दी तोरी, आज मैं खा रही हूँ बंद और साथ में खा रही हूँ करेजी। सॉरी करती हूँ, फिर इंशाल्लाह दोबारा खिलाऊंगी, मजे मजे वाला खिलाऊंगी, जरूर खिलाऊंगी। अच्छा बहुत मजे का टेस्टी है बंद यार, बहुत मजे का। हमारा पड़ा हुआ है, देती हूँ ना, यही बैठ के खाते हैं। जो हम बाहर से खाते ना चटनी रोल, कुछ नहीं है इसके आगे, अलग ही टेस्ट आ रहा है इसमें। और घर का पराठा है ना शैतिस के, मुझे थोड़ी चटनी दो, इसको चटनी डाल के दो, क्योंकि स्पाइसी भी है जो मुझे अच्छा लगता है, और ये हरी मिर्चों के साथ तो और मजा। अच्छा ये चेक करो, ये चेक करो यहाँ पे, ये अभी अचार डाला है, बल्कि डाला नहीं है अभी, अम्मी ने यहाँ पे नमक लगा के रखा, मिर्ची हमारी खाने के लिए शुरू भी हो गई, इसने भी खा ली। यहाँ अम्मी खा रही रोटी, क्योंकि अम्मी बंद खाएगी, अम्मी रोल नहीं खाती ना, अम्मी पराठा खाती है, तो हम अम्मी को जो है इस तरह जो है बना के दे देती हूँ प्लेट। आज मैंने सबकी इस तरह प्लेट बनाई है, और आप लोगों की भी यही प्लेट पड़ी हुई, इतना सा आप लोगों ने खाया है। मैंने सोचा नहीं था इतना टेस्टी होंगे, कि कलेजी का रोल तो इतना वो नहीं है, चिकन से भी बढ़कर। बनाया किसने अच्छा 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 बनाया किसने, लाओ चुमलो ये बस। हाँ ये हुमा चेक करो, कैसे हुमा मिर्चे खाती है, अल्लाह हुमा इतना मजे का लग रहा है ना, ये बहुत पराठा होगा। हालांकि मैंने इसका दो रोटियों में बनाया है पराठा, लेकिन फिर भी कम लग रहा है। दो रोटियां थी उसको मैंने एक बनाई, और भारी बना के पराठा मैंने भारी बना के दिया है, मैंने कहा चलो इसका पेट भर जाएगा, बाकी बंद खाओ ना। बंद खाऊंगी, हाँ ये बाकी बंद खाएगी, और बाकी हम यहाँ खाना खाते हैं, और हमा की तारीफ तो हमने सुनी ली, हमारे अपनी जबान से बोल दी, तो फिर खाना खाते हैं, खाना खा के फिर मिलते हैं। और मेरा दिल चाहता है बस हमा तारीफ करती जाए, मिर्ची देखो चेक करो मिर्ची कैसे खाती है, दो छुड़ेल मत खा फिर सीना चलेगा। अभी तो मिर्ची तैयार नहीं हुई, ये हाल है मिर्ची खा के अभी दो मिनट में थोड़ी सी वो लग रही है, तो मजा भी दे रही है, जब रेडी हो जाएंगी वो नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगी, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। पास जाओगी पता क्या करेगी, भागेगी, नाश्ती भी चली जाएगी दो मिनट में, जाना कितने दिनों बाद आज मेरे पास आई है, मम्मी के पास कितने दिनों बाद आई हो, हैं कितने दिनों बाद आई है, ओए छक्की बहुत टाइम हो गया आपने हेलो नहीं किया, बोलो हेलो कैसी आप सब लोग, मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत मजा आ रहा था, और अभी वेट ही कर रहे हैं जैसे हमारे जो है 500K होते हैं, 500K ओह माय गॉड, इंशाल्लाह वो भी होंगे, ये मेरे 500 भी ना 500K के बराबर है, समझ में आई, मुझे नहीं मालूम मैं अपनी खुशी कैसे बयान करूं, बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं, बहुत ज़्यादा खुश हूं, सुबह तक मेरी और दुगनी हो जाएगी खुशी। इसी तरह आप लोग मुझे प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे पास अल्फाज ही नहीं, मैं कैसे आप लोगों को अभी बताऊं। और चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स करके जाइएगा, और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और मेरी जो स्नोई भी कह रही है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, बहुत खुशी हो रही है हमें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, हमें याद रखिएगा, बाय बाय।